आज हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट रेसिपीज। ब्रेकफास्ट जो कि दिन भर का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो तो मज़ा ही आ जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी दो नए तरीके की ब्रेकफास्ट रेसिपी जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं। दोनों रेसिपीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दोनों का मेथड्स अलग है बनाने का, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाती हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत कम तेल में बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ले लेंगे दाल। यहाँ पर मैंने ये मूँग की छिलकों वाली दाल ली है और इसे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, और उसके बाद इसे हम साफ पानी में धोने के बाद इसको अब हम पीस लेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल भी पानी डाल के नहीं पीसना है, बस इसको ऐसे ही मिक्सी जार में डालना है। हम थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये तीनों चीज़ें डाल के हम इस दाल को अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर दाल अच्छे से पीस चुकी है, इसे हम अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमें दो रेसिपी बनानी है और मैं सेम इसी दाल से आपको सिखाऊंगी। तो इसीलिए हम इस दाल को थोड़ा सा पोर्शन इस दाल का अलग निकाल के रख लेते हैं, यानी कि हम इसे हाफ ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल को अलग बोल में निकाल के रख लेती हूँ। अब एक दाल के मिक्सचर में हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, साथ में पिसा हुआ धनिया पाउडर, साथ में जाएगी काली मिर्च पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जैसा कि मैंने अभी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अभी सही लग रही है। साथ में हम इसके अंदर इसको क्रिस्पी करने के लिए डालेंगे सूजी। यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है। साथ में यहाँ पर मैं चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 छोटे चम्मच। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ये जो हम डोसा इसका बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर ये सूजी और जो पिसा हुआ आटा है उसका रोल ये है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलके अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। बैटर हमारा तैयार है, कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे ये खाना सोडा। ये हमें बिल्कुल एंड में डालना है, ये हमारे डोसे को एक फ्लफीनेस देगा, सॉफ्टनेस देगा अंदर से, और ऊपर से ये क्रिस्पी बनेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी और चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि दाल से बनी, और ये दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और अब हम एक तवा ले लेंगे या फिर पैन ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऑयल डाल के, अगर आप नॉनस्टिक पैन बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कम तेल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप बिना तेल के भी इसको बना सकते हैं, ये चिपकेगा नहीं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बैटर को इसके ऊपर फैला देंगे। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला डोसा नहीं बनाने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा इसको थिक रखूँगी ताकि अगर आप इसे सिर्फ एक सर्विंग यानी कि एक भी अगर खाते हैं तो भी ये सफिशेंट होता है एक डाइट के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसे पतला भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं। अब इसको अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप बिना तेल या घी के भी इसको बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी से एक तो एक क्रिस्पी बनेगा और दूसरा इसके अंदर बहुत अच्छी देसी घी की खुशबू भी आएगी। तो हम अब अच्छे से इसको सेक लेंगे। अब हम इसको स्टफ़ कर देते हैं। तो इसको पहले हम अच्छे से पलट देंगे, यानी कि जब ये दोनों साइड से सिक जाएगा उसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पनीर को कद्दूकस करके रखा हुआ है, क्योंकि पनीर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हाई प्रोटीन होता है, तो हम यहाँ पे पनीर की स्टफिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो पनीर कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी नमक और लाल मिर्च पाउडर का। अगर आप चाहें तो इसकी जगह किसी और की भी स्टफिंग कर सकते हैं, यानी कि सब्जियों की भी स्टफिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी सब्जियों को सॉटे करके उनको भी इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है कि इसके अंदर आप पनीर डालिए कद्दूकस कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए नमक और लाल मिर्च के साथ, और इसको फोल्ड करके लीजिए। तैयार हो गई हमारी पहली ब्रेकफास्ट रेसिपी जो है दाल का डोसा।
ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसी तरीके से आप बाकी के भी डोसे तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें दही के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में भी। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या वेट लूज कर रहे हैं तो, और आपको कुछ हेल्दी भी खाना है लेकिन टेस्टी भी होना चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने जो दाल बचा के रखी हुई थी उसके अंदर हम डाल देंगे सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, डालेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर फूल गोभी भी बारीक काट के डाल सकते हैं और इसके अंदर बीन्स भी डाल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप कोई और सब्जी भी खाते हैं तो आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको क्रिस्पी करने के लिए 2 छोटे चम्मच सूजी और 2 छोटे चम्मच चावल का आटा। अब हम इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूँकि हम इसके अप्पे बनाने वाले हैं तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, थोड़ी गाढ़ी रखनी है। साथ में एक फ्लेवर देने के लिए इसको थोड़ा खट्टापन हम डालेंगे यहाँ पर दही 2 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर। लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे खाना सोडा ताकि ये अंदर से भी सॉफ्ट बने। ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये अप्पे। हमें इस तरीके से एक अप्पे स्टैंड ले लेंगे, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे तेल से और उसके ऊपर हम इन बैटर को डाल देंगे। तो सारे होल्स में हम बैटर को फिल कर देंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों रेसिपियों में बहुत ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में ये दोनों रेसिपीज तैयार हो गई हैं, बहुत हेल्दी हैं। अब हम इन्हें कवर करके थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, लो से मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये नीचे से अच्छे से पक जाए। तो ये नीचे से जब ये सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और अब पलटने के बाद हमें ऊपर से ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक आपकी नीचे की लेयर सिक नहीं जाती तब तक आप इन्हें ना पलटें, और एक बार पलटने के बाद ये नीचे से जब ये सिक जाए प्लेट में निकाल दें और सर्व कर सकते हैं आप इन्हें वापस से हरी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो दही के साथ भी आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, ढेर सारी सब्जियाँ इसमें पड़ी है, दाल है, तेल इसमें बिल्कुल है नहीं, बस थोड़ा सा है। तो इंजॉय कीजिए इन 2 ब्रेकफास्ट रेसिपी को, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी को। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंजॉय।